फिरोजाबाद 7 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकोहाबाद में 2015 में अपने साथियों के साथ मिलकर रस्सी से गला घोटकर की थी युवक की हत्या। उधार के रुपये मांगने पर अंशुल नामक युवक की थी हत्या। अन्य हत्यारोपियों को पुलिस पहले ही पहुंचा चुकी थी जेल। घटना को अंजाम देकर कई सालों से मुंबई में जाकर छुपा था आरोपी। शिकोहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए 2015 में अंशुल और रिंकू नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है। उसमें जो है टोटल 7 लोग नामजद किए गए। 7 लोगों में से चूंकि 2015 का मामला था, कोर्ट में गया। कोर्ट के मामले में 4 लोग उसको कोर्ट ने उसमें आजीवन कारावास दिया। उसमें से एक व्यक्ति नाजिम और बबलू, इसके कई नाम है, ये जो है फरार चल रहा था। इसकी कुर्की भी हो चुकी थी। इसमें जो है हमारी टीम लगी हुई थी, क्योंकि वादी बार बार पेश होता था कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो कहीं न कहीं घूम रहा है। तो इसमें हमारी टीम लगी, जिसमें हमारे उप निरीक्षक जो है नितिन त्यागी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ये खुद की इनकी मेहनत है। इन्होंने उस व्यक्ति को वो जो है ढूंढ निकाला और अब जो है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस व्यक्ति पे, नाजिम पे जो है 25,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया। किस तरह का आरोप था ये? हत्या का आरोप है, बता तो रहे हैं, इसमें हत्या का आरोप है। इसके साथ के जो बाकी लोग थे, उन लोगों को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास दिया जा चुका है। ये अभी भी फरार चल रहा था। आज इसको पकड़ा गया है और इसको जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।